नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिखेगी हिंदी मीडियम वाली कॉस्ट अकाउंट की बुक स्वाति प्रकाशन से। और चैप्टर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर चलेगा 31। 30 वाले क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ही फ्रेम अच्छा मिले तो आपको नीचे करते हैं स्टैंड। अब आपको दिख रहा होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा है इसमें। अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स बिगन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2018। द फॉलोइंग वॉज द एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 लाख। 3 लाख का लिया हमने। और यहाँ मटेरियल कंज्यूम दे रखा था। तो बेटा मैं बताता हूँ, मटेरियल कंज्यूम जब भी दिया होता है, इस पर हम स्टार से बना देते हैं, ध्यान रखने वाली बात होती है। मटेरियल परचेज वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट में डाल दो। मटेरियल कंज्यूम लिखा है तो मतलब हमें मटेरियल कितना हमने मंगाया था वो देखना होगा। कितना कंज्यूम कर लिया, 46,200। मटेरियल लॉस कितना होगा, 2,500। मटेरियल बचा कितना है, 2,300 रुपये का। तो यानी हमने टोटल कितना मंगवाया होगा या मटेरियल कितना परचेज किया होगा, दोनों को तीनों को प्लस कर देंगे। इन तीनों को प्लस करने से पता चल जाएगा कितना मटेरियल इशू हुआ था हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इशू या परचेज, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है इस चीज़ का। बाकी जो बचा हुआ होता है, जो बचा हुआ है, फिर प्लांट लॉस या मटेरियल लॉस, ये जो होता है बाय में ही आता है, लेकिन डेबिट में जब आता है जब कंज्यूम लिखा हो। तो ये वाला पॉइंट तो पहली बार आया है, मटेरियल लॉस को हमने डेबिट में दिखाया हो, ठीक है, वो इसीलिए कि कंज्यूम लिखा हुआ है। बाकी क्वेश्चन ईजी सा रहेगा। प्लांट परचेज दे रखा है, वेजेस इनकार्ड दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस, ये सब डेबिट में आ जाएगा। प्लांट लॉस है क्रेडिट में आ जाएगा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर कर रहे हैं तो क्रेडिट में आ जाएगा। और इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड दे रखा है। सर्टिफाइड का भी कुछ ना कुछ दे रखा होगा। कैश रिसीव ऑन अकाउंट 31 मार्च के लिए कैश रिसीव इतना हुआ, लेकिन बींग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो हम इस 80 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चार्ज डेप्रिशन ऑन प्लांट है 15%, लेकिन पर एनम नहीं बोला, ठीक है, सिंपल 15% लगाना है। फिर बोला रिजर्व 1/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव, प्रॉफिट रिसीव का बोला था। हम पूरा फॉर्मूला लगाया, कंप्लीट फॉर्मूला फॉर कॉन्टीजेंसी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो बना के दिखाते हैं, ईजी है, आराम से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन की लाइन हमने खींच ली है, यहाँ लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। तो उसके लिए हमें खर्चे रखे हैं 1 अप्रैल 2018। तो मटेरियल कंज्यूम दे रखा है ना, तो यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल इशू या फिर परचेज, कुछ भी लिख सकते हो। तो इशू लिख देता हूँ मैं, मटेरियल इशू हुआ। अब पता कैसे चले इशू हुआ, तो मैंने तो यार कंज्यूम लिखा हुआ, कितना कंज्यूम कर लिया ये तो इसके अंदर ऐसे हेडिंग करके लग कर लो, मटेरियल कंज्यूम हुआ है कितना, 46,200 रुपये का। मटेरियल लॉस्ट कितना हुआ, लॉस्ट हुआ 2,600 का है। फिर है मटेरियल एट साइट, वो जोड़ दो जो बचा हुआ है एट साइट, तो हम बता सकते हैं 2,300 का ये है। तीनों प्लस करने पता चलेगा कि मटेरियल कितना आया था हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इसे प्लस करके देखते हैं, 46,200 प्लस 2,500 2,300, 51,000 का मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट पे आया था। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक अपने कर दिया। अब जो मटेरियल लॉस्ट है ये है, इसको यहीं ले लो, बाय में लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि नुकसान जो होता है इसमें लिखते हैं। मटेरियल लॉस्ट कितना का हुआ था, 2,500 का, ठीक है। और मटेरियल एट साइड है, इसे यहाँ लिखते हो बाय मटेरियल एट साइड, जिसे आप भूल ना जाओ कि भाई ये भी एक चीज़ है, बचा हुआ मटेरियल 2,300 का यहाँ आ गया, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा क्या है। यहाँ तक पढ़ लिया, प्लांट परचेज है कितने का, 15,000 का लिख दो यहाँ पर, प्लांट परचेज 15,000। फिर है वेजेस, मजदूरी कितनी है, 81,000 की।
फिर इसके बाद अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितने, 5,000 के। फिर इसमें प्लांट लॉस्ट, तो ये लिखता हूँ प्लांट लॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में ही आ जाएगा, नुकसान है 3,000 का। फिर लिखा है लौटाया गया प्लांट, मतलब प्लांट रिटर्न 2,000 का था ना, तो 2,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो 1,500, फिर लौटा दो, बाय प्लांट रिटर्न कॉस्ट है 2,000 माइनस डेप 15% पर एनम वगैरह कुछ नहीं, तो 300 आ जाएगा, 1,700 का हमने वापस कर दिया। फिर एक कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है, तो पहले हम ये लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड, सॉल्व करेंगे अभी, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड है 1,000, ठीक है। सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, 1,28,000 रिसीव हुआ था जो कि 80% था, इनटू 100 कर दो, 1,28,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 1,60,000 आ जाएगा, तो 1,61,000 आ गया टोटल करके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि प्रॉफिट रिसीव का डेप्रिसिएशन भी बोला है 15%, और प्रॉफिट रिसीव का कितना 1/3 ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, रिजर्व फंड कॉन्टीजेंसी के लिए, वो तो कर लेंगे। लेकिन प्लांट वाली कंडीशन देखते हैं, प्लांट आया था 15,000 का, लॉस्ट कितना हुआ 3 का, और वापस कितना हुआ 2 का, तो बचा मैंने कितना 10,000 करीबन। तो प्लांट वाला करते हैं काम, प्लांट एट साइट, ठीक है, कॉस्ट कितनी थी 15,000 माइनस प्लांट लॉस्ट 3,000, तो 12 का रह गया, फिर माइनस कर दो इसमें से प्लांट रिटर्न 2,000 वापस कर दिया, 10 का रह गया। अब डेप लगा दो इस पर 15%, तो ये 8,500 आ जाएगा बाहर। लाइन खींचते हैं हम आगे, लाइन नहीं रखी, माइनस कैसा है ना, कहीं आप कुछ और समझ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ये सब साल के आखिर की है, 31 मार्च 2019 के हिसाब के दे रखा है सब कुछ यहाँ तक। तो हमने यहाँ तक कर दिया, बाकी तो और कुछ रह नहीं गया, बस टोटल करते हैं इसे, आप भी एक बार नज़र जरूर मार लेना, कुछ रह तो नहीं गया, टोटल करेंगे और बैलेंस सी डी वी डी निकालेंगे, टू बैलेंस सी डी और बाय बैलेंस बी डी। कॉन्टैक्ट प्राइस हमें दे रखा था कितना था इसमें, सॉरी ऊपर दे रखा 3 लाख। हाँ अब मैं टोटल करता हूँ, आते तो नोट कर लो यार इसे, है ना, फिर नोट करने में रह जाते हो पीछे। तो ये तो हो जाएगा हमारा 5,500, 7,500 लिख रहा हूँ मैं, हाँ 5,500 ये हो गया, 5,500, 2,300 प्लस 1,700 प्लस 1,61,000 प्लस 8,500, तो ये आ गया 179,000 माइनस 51,000 माइनस 15,000 81,000 5,000 27,000 आ गया, ठीक है, 27,000 आ गया। इधर भी 27,000 लिखो, पहले नॉर्मल काम करते थे, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखाएंगे,
उसे भी वर्किंग नोट से सॉल्व करना पड़ेगा देखने के लिए। आप उसे नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करिए यहाँ तक, ठीक है, बाकी जो जगह छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन आगे भी हो पाएगा, जगह कम पड़ रही है हमारे पास, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आगे भी तो पड़ेगा। तो वर्किंग नोट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, यह है 3 लाख। फिर नंबर दो, वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 रुपये का। फिर फर्स्ट 3 लाख का करूँगा हाफ, 1.5 लाख। सेकंड 3 लाख का करूँगा 1/4, 75,000। आपका भाई 1,60 जो है इससे भी ज़्यादा है 75 से, और 1.5 लाख से भी ज़्यादा है, तो 2/3 ट्रांसफ़र होता है। कितना ट्रांसफ़र होगा, 2/3। तो इसके हिसाब से हमारा ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा 27,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, उसका 80% रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ, 80%। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, जैसे 80% लिखा हुआ कि वर्क सर्टिफाइड का 80% मिला, तो 80/100 कर दो, या फिर 128 कैश रिसीव है ऊपर लिख दो, वर्क सर्टिफाइड 160 यहाँ लिख दो, ऊपर 128 नीचे 160, उससे भी जाएगा। लेकिन आप 80% दे रखा है, तो शॉर्ट में करने की कोशिश करो, 80% इंटू 2/3। दोनों तरीके आना चाहिए ना, कैलकुलेटर अगर ले जाना भूल गए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो 27,000 इंटू 80% 21,600 हो गया, इंटू 2/3 14,400, ठीक है। अब यहाँ तो आया नहीं पाएगा आंसर, फिर भी जितना आ सकता है उतना लिख देता हूँ, टू वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक, फर्स्ट कॉन्टिजेंसी रिजर्व, रिजर्व कॉन्टिजेंसी रिजर्व के लिए क्या बोला था उसने, उसने बोला था प्रॉफिट रिसीव का 1/3 ट्रांसफर करना है। तो टोटल प्रॉफिट तो इतना है 27,000 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड की जगह हम लिखेंगे 80% जो प्रॉफिट रिसीव के हिसाब से काम आएगा, इंटू 1/3। यहाँ कंप्लीट आयरन लिखा होता तो 80/100 नहीं करते, प्रॉफिट रिसीव लिखा है इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है। तो अभी 27,000 का 80% और इंटू 1/3 7,200 आ गया। कितना है, 7,200, ठीक है, आने को यहाँ आ जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा घिचपिच नहीं करेंगे। अब रह गया हमारा टोटल प्रॉफिट में से, इसे माइनस जो आएगा वो लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा लाइन खींचते हैं, जगह कमी है, बिना पॉज करे ही बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना अनकट रहेगा तो ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे मैंने क्या क्या काम किया अभी। ठीक है, यहाँ टोटल में लिखते हैं 27,000, इधर भी 27,000। अब 27,000 में से हम प्रॉफिट में कितना लिख चुके हैं आंसर में, 14,400 लिख चुके हैं यहाँ पे, दिख रहा है, तो माइनस करते हैं, सत्ताईस हजार में से माइनस किया 14,400, तो 12,600 आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 12,600। ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस के लिए बचा, वर्क इन प्रोग्रेस में दो रिजर्व होते हैं, कॉन्टीजेंसी एक जनरल, तो जनरल के लिए यहाँ लिखता हूँ जनरल, कॉन्टीजेंसी पिछले लिख चुका हूँ ना, इसलिए जनरल रिजर्व। अब 12,600 में से हमारा एक रिजर्व का पैसा आ चुका है 7,200, ठीक है, तो जनरल रिजर्व क्या बचेगा हमारा, 12,600 में से 7,200 माइनस करो, 5,400 बचेगा, और दोनों को प्लस करते हैं तो बाहर अमाउंट आएगी 12,600, ठीक है। अगर ये एक पेज पे होता ज़्यादा क्लियर रहता तो अब फिर से देखते हैं, आधा इस पेज पे है, तो 27,000 मैंने टोटल में लिखा, उस टोटल में से हमने 14,400 माइनस कर दिया प्रॉफिट का, तो 12,600 बचा,
1200 में से ये रिजर्व आ गया 7200, जो कि हमने नॉर्मल तरीके सॉल्व किया। तो 12, अब ये नोट जरूर कर लेना बेटा। देखो मेरे पास एक आइडिया लगा सकता हूँ कि आपने नोट करा नहीं करा, मैं वो तो पॉज कर लेना वगैरह वगैरह, फिर आप कर लेना, तो कर लिया होगा ऐसा बोल देता हूँ, तो आपने कर लिया होगा। ये 7200 आ गया, पेज पलटता हूँ। जनरल रिजर्व हमारा कितना था, 1200 में से 7200 हमने कॉन्टीजेंसी के माइनस किए, जनरल रिजर्व के कितने पैसे बचे, 5400, और उन दोनों के अमाउंट जोड़ के इतना ही आता है। तो क्लियर है, इतना ही करना है। आप ऐसे इस तरह से पेज पे करना कि आपका एक ही तरफ दिखाई दे जाए, तो क्लियर हो जाएगा। ये तो इतना ही पूछा था, इतना ही करना था, हमने कर लिया है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछना। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो कि कहीं लोगों के बच्चों के काम आ जाए, क्योंकि इसका पेपर तो जुलाई में है यार, 2 जुलाई के आसपास है शायद, इसका पेपर 2 जुलाई के आसपास है। हाँ तो बहुत टाइम है, तैयारी करते रहो उसकी। इनकम टैक्स से पहले तो इनकम टैक्स दे देना, 7 तारीख का हो गया होगा मेरे ख्याल से, आप जब वीडियो देखो तब तो होने वाला ही होगा। ठीक बच्चों, वीडियो पॉज कर ख़त्म करता हूँ।